हेलो स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज स्टेप नंबर 7 पर हम आ चुके हैं और ये है आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस बार आपको तीन अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अब से पहले हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दो अलग अलग वैल्यूज होती थी तो हम उसका स्क्वायर इस तरीके से एक्सपेंड करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर 3 है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब दो लगाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, फिर दो लगाना है bc, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 2ca, फिर आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है आपका आपका फॉर्मूला, आपकी आइडेंटिटी आज जो हम यूज करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर, ये है आपका सपोज करो आपके पास लिखा है a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलने का जो तरीका होगा एक्सपेंड करने का, वो देखिए क्या है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्या करना होगा बेटा, तीन जो वैल्यूज हैं उन तीनों के अलग अलग पहले आपको स्क्वायर करने होंगे। मतलब हुआ पहले आपको a का स्क्वायर करना होगा, फिर आपको 2b का स्क्वायर करना होगा, फिर आपको 3c का स्क्वायर करना होगा, प्लस आपको अपने पास से क्या लगाना है 2 लगाने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा, a इंटू 2b, फिर प्लस लगाना है, इस बार भी 2 लगाना है और 2b इंटू 3c, एक 2ab आ गया, 2bc अभी क्या आएगा प्लस 2 इंटू लास्ट वाला और इंटू पहले वाला। बस ये हो गया आपका आइडेंटिटी ओपन। अब आप इनको जो है सोल्व करके लिख लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, 2 जा कितने होते हैं बेटा 4, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9c स्क्वायर, प्लस अब ये पूरा आपका ध्यान रखना है अलग टर्म है, ये पूरा अलग टर्म है और ये पूरा आपका आपका अलग टर्म है, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4ab, कितना हो जाएगा बेटा 4ab, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 कितना होता है 12bc प्लस 3 2 कितना होता है 6ca, एक आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करा आपके लिए, सपोज करो आपके पास 3x है प्लस y है प्लस 4z का होल स्क्वायर है। अब आप इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताइएगा, इस वाले को लिखेंगे किसको, 3x का होल स्क्वायर अलग, y का होल स्क्वायर अलग, 4z का होल स्क्वायर अलग, मतलब वहां कि तीनों के आपने अलग अलग स्क्वायर को खोल दिया है। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, अपने पास से क्या लगाना है 2 और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, जो पहले दो थे क्या था 3x into y था प्लस लगाएंगे, फिर से 2 लगाएंगे 2 into y into 4z। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, इस बार फिर से 2 आएगा, इंटू में क्या आएगा ये देखना है, क्या आएगा लास्ट वाला इंटू पहले वाला, ये तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है आपका इंटू 3x। 10 सवाल समझेंगे तो आपको बड़े आसान लगेंगे। देखिएगा 3 3 क्या होता है 9x स्क्वायर होता है, गुड, y का स्क्वायर होता है प्लस 4z का, मतलब हो जाएगा कितना बेटा 4 4 16z स्क्वायर, प्लस इसको सोल्व करो पूरे को अलग, 3 2 कितने होते हैं 6xy, याद रखना है इसको अलग सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 2 8yz, प्लस ये हो जाएगा 4 3 4 12 2 24zx। उम्मीद है थोड़ा सा आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये है आपका बेटा a प्लस 3b प्लस 5c, बस केवल वैल्यूज चेंज कर दी गई है, आपका तरीका सेम वही रहेगा। यहां पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस 7z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है बेटा, 5 में क्या करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आएंगे, प्लस माइनस करेंगे।
प्लस माइनस में ही गलती होती है। अगर आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 में इस टाइप के सवाल आपको करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बुकों में एट में भी पूछ लेते हैं आपसे। सपोज करिए ये ए है, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस टू बी प्लस इसको हम कर लेते हैं वन, ठीक है, वन मान लीजिएगा इसको बस केवल। ये अब हमें इक्वेशन सोल्व करना, मतलब ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हो गया आपका नंबर फाइव। किस तरीके से करेंगे बताना, पहले क्या करते हैं बेटा, पहले वाले का स्क्वायर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, पहले इसको आप ऐसा करो, इस तरीके से लिख लेना, एक ब्रैकेट लगाओ, ए को लिखो, फिर प्लस इसको बेटा माइनस टू भी लिखेंगे। समझ को इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी आपको अगर बीच में माइनस मिलेगा तो आपको ये सेम लिखना है, प्लस का साइन लगाना होगा माइनस के स्थान पे, और ब्रैकेट में लिखना होगा वो संख्या जो आपकी माइनस में दी हुई थी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस का वन है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका होल स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। अब आपका सेम वही प्रोसीजर जैसे आपने सोल्व किया था, पहले वाले का स्क्वायर प्लस लगाइएगा, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है सर। अब आप लोग अपने पास से टू लगाइएगा, ए की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, ध्यान रखो इस बार माइनस टू भी रहेगा, आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए फिर माइनस का साइन लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, फिर प्लस टू आएगा, इनटू में क्या रहेगा बेटा, माइनस टू भी और इनटू वन, फिर प्लस टू आएगा, इनटू में आएगा वन इनटू पहले वाला, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान रखना है, देखो स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, ठीक है, अगर आप 8 9 10 के बच्चे तो आपको पता होगा स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, नहीं भी पता तो माइनस टू बी को जब आप दो बार लिखोगे तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा, प्लस के हो जाते हैं, और टू टू जा क्या हो जाता है फोर, तो प्लस फोर बी स्क्वायर लिखा जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और यहां पर आप देखिए टू टू जा फोर, माइनस का होगा ये, बताइए माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4b और ये हो जाएगा आपका 2a। आप चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसको आप लास्ट में लिख के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूँ बताया मैं आपसे, मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 1 को आप ध्यान लिख लेना, इसको आगे पीछे नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स जो है वो मैं इस टाइप का बना देता हूं, 2a माइनस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप सोल्व करके देखना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं सवाल नंबर सेवन। अब नंबर सेवन में क्या है ये चेक कर लीजिए आप, कभी कभी आपको इस टाइप का समझ जाता है 1/2x प्लस 1/3y प्लस c इस तरीके से दे देते हैं, ठीक है बेटा, कभी कभी यहां z होगा कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होल स्क्वायर। देखिए नंबर एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये जो वैल्यू x है ये हमेशा देखो ऊपर मानी जाती है, ठीक है, तो ये x में गुना हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा पहले तो आपका x अपॉन 2 और इसको क्या लिखा जाएगा इसी प्रकार से ऊपर पहुंचेगा y अपॉन 3 प्लस जेड, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें माइनस अपने पास से लगा सकते हैं, अगर मैं इसे माइनस का कर दूंगा तो नो प्रॉब्लम, फिर मुझे क्या करना होगा, एक बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से होल स्क्वायर, और बेटा ये तो यहां प्लस पे ही रहेगा, बस ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा इसे माइनस का वाई अपॉन 3, है ना भैया, वाई तो ऊपर बोल गया तो माइनस वाई अपॉन 3 आप ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर उसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे हम लोग सोल्व करते आए हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, हो जाएगा आपका x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, फिर अपने पास से क्या लगाएंगे 2 इंटू में आएगा पहले वाला टर्म और दूसरे वाला, बेटा माइनस y है तो माइनस में लिखना पड़ेगा आपको, फिर अपने पास से फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले b फिर c की जगह z लिखा हुआ है, प्लस आपको 2 लगाना है इंटू ये z और ये रहेगा आपका x अपॉन 2, ठीक है बेटा, कोशिश के लिए समझने की। अब आपको इनके स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर अलग करिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 होता है,
और प्लस, मैंने कहा इस पर हमेशा प्लस के होते हैं, यहाँ तीनों में से कोई भी माइनस ना होगा तो हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर जब आप एक्सपेंड करेंगे तभी ऐसा होगा, 3 3 9 और ये जेड स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये आपका एक पूरा अलग टर्म है, ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखो गुना आ रही ना तो मल्टीप्लाई आता है, तो आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व मतलब ये इससे कैंसिल हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये 2 + x / 2 - y / 3 है तो आप इस तरीके से कभी भी 2 को कैंसिल नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे जब तक यहाँ पे आपका इंटू ना लगा हो। हाँ इंटू लगा हो, देखो इंटू और माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर 3 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखो इनटू होना जरूरी है। मल्टीप्लाई में आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया, हमारे पास ऊपर बचेगा बेटा इस बार देखो -xy / 3। यहां पर आप देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर होगा आपका 2yz / 3 प्लस, यहां पे तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा zx। समझ में आया, उम्मीद है समझ जरूर आया होगा। नंबर 6, नहीं बेटा ये 6 तो ये सवाल होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल सुनने की कोशिश करिएगा। ये है 2/3x - 3/2y - 1/2, ठीक है, ज्यादा आसान लग रहा है, हार्ड लग रहा है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका मैं आपको हिंट दे सकता हूं, इसकी इस प्रकार से होगी कि आप इसको पहले लिखेंगे किस तरीके से 2x / 3, क्योंकि यहां पे माइनस नहीं है, और अगर यहां माइनस है तो पहले आप प्लस करना होगा, ब्रैकेट लगा के क्या करना होगा 3y / 2 और लगाना होगा साथ में माइनस भी, और बेटा ऐसे इसमें करना पड़ेगा, प्लस 5 नहीं होगा ये, आप इसे मतलब प्लस तो करेंगे लेकिन अंदर ब्रैकेट में लिखा जाएगा -5। इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, सपोज करिए नंबर 8 में आपको दिया हुआ है -3x + 5y - z / 6, ये दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिएगा ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां पे 2 कर दूं तो नो प्रॉब्लम, तब भी कोई समस्या नहीं, आप समझने की कोशिश करिए सवाल को, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका मेथड क्या रहेगा, पहले क्या करना होगा बताइए, बड़ा ब्रैकेट लगा के माइनस को लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस 2y रहेगा, फिर प्लस आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा -z / 6 और एक बड़ा ब्रैकेट बना के स्क्वायर कर देना है। अब आप इनके स्क्वायर को अलग अलग मतलब एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए -3x का होल स्क्वायर अलग करना होगा, +2y का होल स्क्वायर अलग, प्लस -z / 6 का होल स्क्वायर अलग, अपने पास से 2 लगा के आपको पहले 2 की मल्टीप्लाई करनी है, वो है बेटा -3x * 2y, फिर आपको अपने पास से 2 लगाना है, इंटू करना है किसको बेटा 2y के साथ इंटू करना होगा -z / 6 की, फिर आपको 2 लगाना है -z / 6 इंटू रहेगा -3x। इस बार आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा कैसे करेंगे इसको, 3 3 का क्या होता है 9x² प्लस का रहेगा, 4y² वो प्लस का ऑलरेडी था, प्लस ही रहेगा, मैंने कहा पहले 3 हमेशा प्लस के होते हैं क्योंकि ये स्क्वायर होते हैं और स्क्वायर हमेशा किसके होते हैं बेटा प्लस के। ये हो जाएगा आपका z² / 36 और ये माइनस, बताओ क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक ही माइनस है ना बेटा, देखो यहां पर एक ही एक प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 2 6 2 12 12xy हो जाएगा, और यहां पर आप देखिएगा एक ही माइनस है, ये पूरा एक माना जाएगा, जब तक प्लस नहीं आएगा तब तक अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 3 6, ठीक है, आपके पास ऊपर बचेगा बेटा -2yz / 3 और यहां पर आप देखिएगा 2 3 6 और 3 से 3
कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसलिए प्लस ही रहेगा और आपका ये बचेगा बेटा तो ओनली जेड एक्स। समझने की कोशिश करें, बार बार लिखें और प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करोगे समझ में जरूर आएगा। नंबर नाइन, नंबर टेन, नंबर नाइन है वन, इसे हम लिख लेते हैं माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर। इसे आप एक्सपेंड करके देखेंगे, ये है आपका थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री वाई प्लस जेड अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब आप इसको भी सोल्व करके देखेंगे, ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और देखिए समझ में आया या नहीं आया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एज अ प्रैक्टिस रिवीजन में देख लेते हैं कि आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ रहे हैं या नहीं। कभी कभी होता है ना छोटे से बड़े सवाल देख के दिमाग में जो आइडिया आए हुए तो वो भी आपके इधर उधर हो जाते हैं। तो 11 में देखिएगा हमने क्या सीखा आज बेटा, हमने सीखा अगर हमें 4a प्लस 2b प्लस 3c मिलेगा उसका होल स्क्वायर किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। तो क्या तरीका बताया, पहले हमने पहले वाले का होल स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है दूसरे वाले का होल स्क्वायर प्लस क्या करना है तीसरे वाले का होल स्क्वायर। अपने पास से क्या लगाना है 2 मल्टीप्लाई करनी है पहले दो की, देखो कितना इजी तरीका है। फिर आपको क्या लगाना है अपने पास से, फिर प्लस लगाना है 2 लगाना है, नंबर दूसरा और नंबर तीसरा ले लेना है, ठीक है। फिर 2 इंटू लास्ट वाला टर्म इंटू पहले वाला टर्म, जो भी लिखा हो उसे आप लिख दीजिएगा, बाकी आपकी कैलकुलेशन है, आपका सॉल्यूशन है, आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 जा बेटा 16 ए स्क्वायर, 2 जा 4 बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर प्लस 2 जा 8 और 8 जा होता है 16 ए बी प्लस 3 जा 6 जा 12 बी सी प्लस 24 सी ए। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। नंबर 12 ये मैं आपके लिए भी दे देता हूं आसान सा, x प्लस 5y माइनस 7z को आप सोल्व करके देख लेना। उम्मीद है आपको ये आइडेंटिटी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।